वालेकुम सो दिस इज़ पार्ट टू ऑफ द डी जनरल एनेटमी और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं तो उसका मैं बताऊंगी कि इसमें से आपको क्या चीज़ करनी है एग्ज़ाम के लिए और क्या आप स्किप कर सकते हो ठीक है तो आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो मोस्टली एफएससी नॉलेज बेस्ड हैं दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी जो आपको समझनी होंगी आ, बाकी वही है कि आ, अगर आपके कॉन्सेप्ट एफएससी में बने हुए हैं जो मोस्टली के बने होंगे तो आपको जस्ट उसको एक दफ़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है तो कार्डियो सिस्टम चैप्टर फाइव हम इसको करते हैं ओके आ, लेट मी रिमाइंड यू अगेन के ये जो मेरे पास पीडीएफ फॉर्म है बीडी की दिस इज़ द फोर्थ एडिशन ठीक है आप लोग के पास जो घर पे है या जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ द दिक्सथ एडिशन या जो मोस्ट रीसेंट एडिशन है तो इससे पेजेस का थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो वो जो है आप लोग देख लीजिएगा ओके डेफिनेशंस uh, ये करनी है कंपोनेंट्स जो है ये पूछे जाते हैं और हार्ट uh, की डायग्राम एक दफ़ा देख लें जो कि ईसी है ठीक है वही बात है कि है एफ वाली चीज़ें हैं इसमें और हार्ट right. अच्छा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आर्टीज वेंस और कैपलरीज इनके दरमियान डिफरेंसेस पूछे जाते हैं ठीक है आर्टरीज और वेंस के काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो uh, बिल्कुल वही वाली बातें हैं कि लाइक आर्टरीज़ क्या है ब्रांच लाइक ट्रीज हैं ठीक है इलास्टिक टिश्यू है और ल्यूमिन इसका छोटा बड़ा है वो आपने बताना है आर्टीरियल्स क्या होते हैं ठीक है थीके? उसके बाद ये जो ग्रीक वर्ड्स हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है जैसे आपको वैसे ही पता होने चाहिए कि एन बोलते हैं इसके क्योंकि आप लोग आगे एनजी प्लास्टिक पढ़ोगे सी में तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा एनजी इज़ समथिंग रेलिवेंट टू आर्टरीज ठीक है या ब्लड वेजल इसी तरह अच्छा ये आपको जो वर्ड डेरिवेटिव्स हैं एनजियोलॉजी एनजियोग्राफी वगैरह ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते ये इसको आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो डेफ़ीशन इनके आप वैसे देख सकते हो इफ़ यू इंटरेस्टेड लेकिन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं अब वेंस है वेंस भी आसान बात है कि क्या होते हैं वेंस क्या होते हैं वेन्यूज क्या होते हैं वेनक्यवा क्या होते हैं ठीक है, 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 है ये जो डायग्राम है uh, ये जो है ना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है uh, कि आर्ट्रीज वैन और कैपलरीज ठीक है इसमें आइडेंटिफाई करना होता है स्पेशली आर्चीज और वैन को तो वैन की सिंपल आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें वाल्व मौजूद होते हैं औ में आपके पास कलर डायग्राम नहीं होगी उसमें आपके पास ब्लैक एंड वाइट डायग्राम होती है क्योंकि वो फोटो फोटो कापीज़ होती है। तो हैं तो इसलिए जो है ना आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आपने ये कुछ ट्रिक्स अपने पास लिखनी है ठीक है कि जहाँ पे वॉल्स होंगे वहाँ पर वो चीज़ हमारे पास वैन होगी अब कैपलरीज क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजर रेजिस्टेंस वेजर एक्सचेंज वेजर इजरवाइव शर्ट्स ठीक है ये सारी की सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ठीक है आगे जब आप लोग सी बी एस का पूरा मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें हर जगह यूज होंगी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल है रेजिस्टेंस वेजल है फलाना वलाना ठीक है तो ये चीज़ें आपने अभी से इसको समझनी है कि आर्टीज क्या है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल है रेजिस्टेंस वेजस क्या है आर टी को रजिस्टेंस वेजेस क्यों बोलते हैं क्योंकि आर हमारे पास जब कंस्ट्रिक्ट या डायलैट करते हैं तो उससे हमारे पा ब्लड फ्लो जो है कम ज्यादा हो सकता है ठीक है फिर आर के एंड पे प्री कैपलरीज होते हैं प्री कैपलिज क्या कहते हैं ब्लड फ्लो को टूवर्ड्स द कैपलरी uh, कंट्रोल करते हैं एक्सचेंज वेजल कैपलरीज कैपलरीज़ को क्यों एक्सचेंज वेजल्स बोलते हैं क्योंकि कैपलरीज में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों होते हैं एक तो बात ये हो गई ठीक है दूसरी बात यह कि कैपलरीज से हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो गैसेस हैं वो इन एंड आउट जाते हैं ठीक है फ्रॉम टिश्यूज़ टू वेज़ल एंड फ्रॉम वेजल टू टिश्यूज़ सैनोसाइड्स क्या होते हैं सैनोसाइड्स आर लाइक कैपलरीज लेकिन ये बड़े होते हैं में ये भी एक्सचेंज वेसल्स होते हैं सैनोसाइड मौसम वहाँ पर लिवर में मौजूद होते हैं ठीक है थीके? ये बड़े बड़े वेसल्स होते हैं यानी वेसल तो इनको नहीं कहेंगे सैनोसाइड्स आर लार्ज स्पेसिस ठीक है आगे इनकी डेफिनेशन लिखी भी हुई है और फिर पोस्ट कैपलरी वेन्यू तो कैपलरीज का जो आर्टीरियल एंड होगा वहाँ पे हमारे पास प्री कैपलरी स्फिंक्टर्स होंगे ठीक है और जो कैपलरीज का वीनस एंड होगा वहाँ पे हमारे पास पोस्ट कैपलरी वेन्यूज़ होंगे तो पोस्ट कैपलरी वेन्यूज़ जो हैं वहाँ पे भी हमारे पास एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रंस एंड गैसेस पॉसिबल है अब रिजर्व रिजर्वाइज किसे बोलते हैं लार्ज वेन्यूज और वेंस को लार्ज में हमारे पास वो आ जाते हैं ठीक है वेंस वेंस हमारे पास जितनी भी वगैरह है ठीक है अब इनको रिजर्व या कैपेसिटेंस के, के, इसलिए बोलते, है, है तो बोलते हैं बिकॉज वेंस हैज द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन दैम ठीक है आगे हमारे पास शंट्स हैं तो शंट्स किसे बोलते हैं एनास्टोमोसिस एनास्टोमोसिस कहते हैं जब एक वेजल दूसरे वेजल के साथ आ, मतलब एक वजल दूसरे वेजल के साथ कनेक्शन क्रिएट कर ले बाई पासिंग सम अदर वेजल्स को हम शंट बोलते हैं ठीक है या इसको हम एनास्टोमोसिस बोलते हैं ठीक है आगे इसकी डायग्राम भी होगी अब टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टमेटिक पल्मोनरी और पोर्टल सर्कुलेशन ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो पोर्टल सर्कुलेशन है ये काफ़ी पूछा जाता है ठीक है तो पोर्टल सर्कुलेशन को आपने अच्छे से समझना है अब ये सारा जो है ये देख लें टाइप ऑफ सर्कुलेशंस में इसमें पोर्टल भी गिवन है ठीक है इसमें हमारे पास सिस्टेमिक भी गिवन है और पल्मोनरी गिवन है सिस्टेमिक और पल्मोनरी तो आसान है पोर्टल को जो है ना स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ कर देते हैं तो पोर्टल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा पोर्टल सर्कुलेशन में बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जितना भी ब्लड है ठीक है वो दो कैपलरीज़ के सेट से पास होता है एक फॉर मतलब फॉर एग्जांपल नीचे से हमारे पास ब्लड आ रहा है और इस एक सेट ऑफ कैपलरी को उसने क्रॉस कर लिया ठीक है अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा ना उससे एक वैन निकलेगी उस वैन को हम पोर्टल वैन कहेंगे अब ये जो पोर्टल वेन है ये हमारे पास सेकेंड सेट ऑफ कैपलरीज या फिर साइनोसाइड मतलब सेकेंड सेट जो है हमारे पास कैपलरीज का भी हो सकता है और वो हमारे पास साइनोसाइड्स भी हो सकते हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पे ये जाके पोर्टल वेन हमारे पास ड्रेन करेगी इसकी एग्जाम्पल हमारे पास हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है ठीक है कि हमारे पास जी से हमारे पास ब्लड आ रहा है एक सेट ऑफ कैपलरीज़ में ठीक है वहाँ से हमारे पास पोर्टल वैन निकल रही है जिसको हम हेपेटिक पोर्टल वैन बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वैन हमारे पास लिवर में जाती है ठीक है फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये लिवर का है लिवर में हमारे पास सैनोसोइड्स होते हैं ठीक है साइनोसॉइड्स लार्ज स्पेस है जहाँ पे हमारे पास आ, आ, मतलब ब्लड जा रहा होता है ठीक है तो पोर्टल वैन से जो है हमारे पास ब्लड आया ठीक है और Uh, कहाँ चला गया लिवर में लिवर के सैनोसॉल्ड में ठीक है फिर वहाँ से जो है ब्लड की कलेक्शन हुई ठीक है और फिर वहाँ से हमारे पास सेकेंड uh, वैन जो हमारे पास जा रही है उसमें वो ब्लड हमारे पास ड्रेन हो जाते हैं और वो जो सेकेंड वैन है यानी ये वाली जो वैन है ये हमारे पास फिर इन्फीरियर वैन केवा में जा ड्रेन हो जाती है और फिर वहाँ से हार्ट में चली जाती है और फिर वहाँ से वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सर्कुलेशन का ठीक है दूसरी एग्जाम्पल है हाइपोथेलमो हाइपोफिजियल पोर्टर सर्कुलेशन जो हमारे पास ब्रेन में पोर्टर सर्कुलेशन है और थर्ड रीनल पोर्टर सर्कुलेशन जो किडनीज में है तो ये तीनों सेट्स जो हैं इनके नाम आपने याद करने हैं और राइट ये आर्टरीज की करेक्ट्रिस्टिक फीचर्स हैं जो इस, इसकी मेन चीज़ है वो ये है कि आर्टरीज थिक वॉल होते हैं न्यूमिन इसका छोटा होता है ठीक है और आ, अच्छा न्यूरो बंडल क्या है जब हमारे पास वैन आर्चीज और नर्व ये तीनों एक साथ मौजूद हों ठीक है मतलब आ, इसको मैं इस तरह करके बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्टरी है वैन है ठीक है और हमारे पास नर्व हो गई ठीक है ये तीनों हमारे पास एक साथ मौजूद हैं ठीक है थीके? और इसको कौन सराउंड कर रहे हैं इसको फिबरस शीट सराउंड कर रही है ठीक है तो इस चीज़ को फिर हम बोलते हैं न्यूरोवेस्कुलर बंडल और राइट अब आर्टरीज की टाइप हैं लार्ज आर्टरीज मीडियम एंड स्मॉल साइज और फिर जो सबसे छोटी होती है आर्टीरियोल्स ठीक है तो इनकी एग्जांपल्स आपने याद करनी है मतलब लार्ज आर्टरीज में हमारे पास अयोटा आ जाती हैं और उसकी जो ऊपर की तीन मेन ब्रांचेस हैं परिमनरी आर्टरीज और कॉमन इलिए मतलब इन सब को मिला के हमारे पास लार्ज आर्टरीज बन गई मीडियम आर्टरीज जो हैं ये या आपको याद होना चाहिए कि ये मस्कुलर टाइप की होती हैं ठीक है उसमें टेम्पोरल ऑक्सीपिटल मतलब खुद से भी आप नाम लिख सकते हैं फैमरल रेडियल पोपलीटियल ये कुछ नाम आप याद कर लो उसके बाद जो स्मॉलर आर्टरीज हैं आर टी ओज़ के कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है क्योंकि आर हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है तो इनके कोई नाम नहीं है बस आपको ये याद रखना है कि इन ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं डायमीटर वैसे ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है और हाँ एक और जो चीज़ आपने याद करनी है वो है मेटा आरटीओ द साइड ब्रांचेस फ्रॉम टर्मिनल आरटीओस आर कॉल्स मेटा आर ठीक है ये आपको याद होना चाहिए और प्री कैपले स्विंग में आपको बता चुकी है अब इंस्टाग्राम को हम देख लेते हैं सो दिस इज अच्छा ये हमारे पास जो है आर हो गया ठीक है आर से ये जो साइड ब्रांच निकल रही है जो जिसको हम टर्मिनल बोलते हैं टर्मिनल इसलिए क्योंकि ये एक ही निकल रही है और ये तकरीबन टर्मिनेट कर रही है ठीक है इसको हम मेटा आर बोलेंगे अब ये जो मेटा आर के यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा हुआ है और राइट फिंकटर जो लगा हुआ है इसको हम प्री कैपलरीज स्फिंक्टर बोलेंगे प्री कैपलेज स्फिंक्टर का क्या काम होगा कि ये हमारे पास ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेगा उसके बाद हमारे पास कैपलरीज जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि ये तो हमारे पास ये सारी की सारी कैपलरीज हो गई ठीक है अब यहाँ पे हम शंट को देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते हैं एक ये वाला और एक ये वाला ठीक है जहाँ से हमारे पास वेन्यूल क्योंकि ये कैपलरीज़ का पूरा सेट बना हुआ है ठीक है जहाँ हमारे पास वेन्यूल तक ब्लड जाएगा लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक, एक एक्स्ट्रा वेजल बन गया है इसको हम शंट बोलेंगे अब शंट का क्या मतलब है कि ये जो ब्लड यहाँ से यहाँ से और यहाँ से पास कर रहा है ठीक है ये एक मिनट इसको मैं यहाँ से ब्लड ऐसे भी जा सकता है और यहाँ से ऐसे भी जा सकता है तो लेकिन बजाय इसके यहाँ के जाने के वो ऐसे करके के यहाँ से जा रहे हैं अब हुआ क्या है कि ब्लड ने इस वेजल को और इस वेजल को शंट कर दिया यानी बाईपास कर दिया है और ये इस न्यू वेजल के थ्रू जो है वो वेन्यूल तक जा रहे हैं यानी एक ही वेजल है जिसको हम शंट बोल रहे हैं वहाँ से हमारे पास वेन्यूल तक जो है वो ब्लड जा रहा है तो ये कैपलरी बेड बिटवीन आर और एंड वेन्यूल एक्सप्लेन हुआ हुआ है दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल उसके बाद हमारे पास आ, आ, ये तो आपको एफ से पता आ, है कि मीडिया एडवेंटिशिया होते हैं ठीक है थीके? और आ, ये तो हिस्टोलॉजी के डायग्राम है लेकिन आप इसको वैसे ये आप लोग कार्डियोवेस्कुलर मॉड्यूल जो होगा उसमें ये हिस्टोलॉजी में ये स्लाइड आपके पास मौजूद होगी लेकिन यहाँ यहाँ पे वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अच्छा ब्लड सप्लाई ऑफ आर्टरीज दिस इज़ नॉट इम्पोटेंट और आई गेस ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मनी इसको वैसे चेक कर लें आप लोग लेकिन दिस इज़ नॉट इम्पॉटेंट फॉर एग्जाम्प ठीक है आप इसको वैसे पढ़ सकते हो न्यूट्रंट वेजल आपको पता होना चाहिए वेजा वेजोरम वेजा वेजोरम क्या है कि आर्टीज़ को जो ब्लड वेजल सप्लाई करिए तो आर्टी ख़ुद भी वेजल है उसको ऊपर से और वेजल सप्लाई करिए तो इसलिए इसका नाम वेज़ा वेजोरम है बाकी चीज़ें जो हैं इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़ आप याद कर सकते हो कि लिफेटिक आसो प्रेजेंट इन एडवेंटिशिया पालपेबल आरट्रीज़ ये नाम आपने याद कर ले रहे कि कहाँ कहाँ पर आर्ट्रीज़ पालपेट करना ईसी है तो ये कॉमन कैरोटिड फेशियल ब्रेकियल रेडियल एबडामिनल अयोटा फेमरल पोस्टियर टी बैंडस वॉलिस इसको फिलहाल आप रट्टे लगा लें क्योंकि अब ये आपको ये पता नहीं है कि आर्ट्रीज मौजूद कहाँ कहाँ है ये आपको एम एस केम पे चलेगा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कामन केरोटेड आपके नेक वाले रीजन में होंगे फेशियल ऑबियसली फेस में ब्रेकिल आपकी यहाँ आम का जो रीजन है मोस्टली वहाँ पे होता है ठीक है रेडियल आपके पास अपर लिम में मौजूद है आम में एबडोमिनल एटा जो कि हमारे पास एबडमिन में मौजूद है फैमरल हमारे पास लेग में मौजूद है ठीक है थाई रीजन सॉरी फैमरल हमारे पास थाई रीजन में मौजूद है पोस्टियर टीबियल पेडिस ये हमारे पास लेग रीजन में मौजूद है अब नर्व सप्लाई ऑफ आर्टीज इट इज़ आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट इसमें सिर्फ नरवाए वेस्कुलरिस का नाम आप याद कर रहे हैं कि जिस आर्टीज को नर्व सप्लाई कर रही होती है उसको हम नर्वाए वेस्कुलरिस बोलते हैं बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है वेंस के करेक्ट्रिस्टिक के लियूमन लाजा है थिन वॉल्ड है वगैरह वगैरह ठीक है और राइट ये देखें कॉमन करोटेड नेक रीजन में हो गया ठीक है ब्रेकियल हमारे पास आर्म रीजन में रेडियल फॉर्म फॉर आर्म में हो गया एबडामिनल आईवोडो देखे एबडामिन में फैमनल थाय में पॉपलीटियल हमारे पास यहाँ क्या नाम है जो नी रीजन है वहाँ पे हो गया पोस्टियर टीबल और डोसेलिस लेग के सबसे एंड वाले रीजन में ठीक है तो ये डायग्राम आप लोग तो देख लें अच्छा और लार्ज वेंस हैव डेड स्पेस अराउंड दैम फॉर्दर डायलेशन ड्यूरिंग इंक्रीज वीनस रिटर्न अब आपको नहीं पता वीनस रिटर्न क्या होता है लिम्फेटिक्स भी आप लोगों ने उस तरह से नहीं पड़े हुए तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए लेकिन इतना याद रखना है कि जो बड़े वेंस होते हैं उनके अराउंड कुछ खाली स्पेस होती है ठीक है वो उस स्पेस में क्या होता है कि जब हमारे पास वैन में ब्लड ज़्यादा आ जाता है ठीक है वीनस रिटर्न वीन्स के ब्लड का रिटर्न ज़्यादा है तो वेंस हमारे पास डायलेट होते हैं तो वेंस की डायलेशन के लिए जाहिर सी पता है हमें कोई ना कोई स्पेस तो चाहिए थी ना तो वेंस के अराउंड जो स्पेस है उसको हम डेड स्पेस बोलेंगे जिसमें वेंस डायलेशन के दौरान ईजिली एकोमोडेट कर सकती हैं ओके डेड स्पेस विद लार्ज व अब यहाँ पे देखें ये फैमरल वैन है और ये हमारे पास फैमरल कनाल कनाल है ठीक है अब यहाँ पे डेड स्पेस ये सारी ये जो खाली खाली जगह आपको नज़र आ रही है दिस इज़ द डेड स्पेस ओके स्ट्रक्चर ऑफ वेंस तो द स्मूथ मसल इज़ ऑल टुगेदर एब्सेंट और ये जो पांच एग्जांपल्स हैं इसको आपने याद कर लेना है और बाकी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एडवेंटिशिया इज थिक्केस्ट एंड बेस्ट डेवलप्ड इन वेबल को आपने अच्छे से पढ़ लेने ये डिफ्रेंसेस uh, थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं uh, अच्छा ब्लड एंड नव सप्लाई दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हेल्पिंग इन वीनस रिटर्न तो वीनस रिटर्न क्या है कि हमारे पास हार्ट में जो वेंस ब्लड वापस आ रहे होता है बस इसको ऐसा आप याद कर रहे हैं उसको वीनस रिटर्न बोलते हैं बाकी आपको थोड़ा सा ये जब आप सीवियस का मॉड्यूल पढ़ोगे इसमें आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे अब फैक्टर्स क्या क्या हैं बस आपने उसको अच्छे से देख लेना एक दफ़ा ओवरफ्लो फ्राम द कैपलरीज पुश्ड फ्राम बिहाइंड बाई द आर्ट्रीज इसको पता नहीं विस अटैरगो इसको आपने याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है बस आपने ये याद रखना है कि आर्टरीज है आर्टरीज से ब्लड पुश हो के कैपलरीज में आया है कैपलरीज में जब ब्लड का ओवरफ्लो ज़्यादा हो गया तो वह वे वेंस में चला गया है अब वेंस में ब्लड ज़्यादा है तो इसका मतलब है ब्लड ज्यादा इंटू मतलब क्या है कि जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कहवा है उसमें ब्लड ज़्यादा है और इसका मतलब यह है कि ये दोनों हार्ट में जाते हैं तो ठीक है तो हार्ट में जो वीनस रिटर्न है या जो वेंस से ब्लड जा रहा है वो ज़्यादा जाएगा नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर सख द ब्लड इनटू हार्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी अब नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्या होता है इसको बस इतना याद लें कि हमारे पास थोड़े से है जिसमें हमारा हार्ट पड़ा हुआ है ठीक है अब हार्ट के अराउंड प्रेशर जितना नेगेटिव होगा तो ब्लड जो है उतना ही ज़्यादा हार्ट में जाएगा इसके अलावा ग्रेविटी भी हेल्प करती है आर पल्सेशन पल्सेशन जितनी ज़्यादा होंगी इंटरमिटेंट होगी उतना ज़्यादा वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा और वीनस वॉल्स वीनस वॉल्स क्या करते हैं कि वेंस में हम वॉल्स मौजूद होते हैं अब वॉल्स क्या करते हैं कि हमारे पास वैन में बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ठीक है कि हमारे पास वो ब्लड वापस ना आ जाए बल्कि सीधा सीधा अपने रास्ते पे चलता रहे ठीक और ये डायग्राम वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसको वैसे आप एक दफा देख लें आ, इसके अलावा कैपलरीज कैपलरीज की भी आपने ये सारी ये कंटीन्यूस कैपलरी फेनिस्ट्रेटेड कैपलरीज या आपने कंटीन्यूस कैपलरीज कहाँ कहाँ मौजूद मौजूद होती हैं ये आपको पता होना चाहिए फ़ेनस्ट्रेटेड कैपलरीज़ कहाँ कहाँ मौजूद होती है अब कंटिन्यूस कैपलरीज़ कैसे होती हैं इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अच्छा ये हमारे पास जो है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये कैपलरीज़ हैं ठीक है ये इसमें आपको कोई स्पेस वग़ैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा ये आपको बिल्कुल कंटीन्यूस नज़र आ रही है इसमें ब्लड जाएगा बिल्कुल कंटीन्यूस जाएगा ठीक है इसमें जो पोर्स होंगे बहुत छोटे साइज़ के होंगे ठीक है इतने छोटे साइज के एक आर बी सी का जो मॉलिक्यूल है ठीक है यानी वन आर बी सी कैन पास एट वन टाइम ठीक है अब अगर हम हाँ, फेनिस्ट्रेटेड कैपलरीज की बात करें तो उसमें ऐसे ऐसे स्पेसिस बने होंगे ठीक है लार्ज स्पेसिस बने होंगे इसको हम जो है फेनिस्ट्रेटेड कैपलरीज बोलेंगे ठीक है यानी कैपलरीज़ के अराउंड जो शीत है ठीक है एंडोथीलीम है कैपलरीज के अराउंड उसमें स्पेसिस होंगे इसको आप ऐसे याद कर लो फ़ेस्टेटिकपरेइज़ हमारे पास कहाँ कहाँ मोजोती है ग्लोमेरोप जो कि हमारे पास किडनीज में होता है किडनीज में आप हमें पता है कि के फेनिस्टेटिक कैपरेज रिक्वायर होते हैं बिकॉज हमें क्या करना होता है एक्सचेंज ऑफ वाटर और जो एक्सक्रीशन वाला जो, जो फ़िल्ट्रेशन वाला जितना प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास फेनिस्ट्रेटिड चाहिए इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंडोक्राइन लेंस पेंक्रियाज ठीक है ये सारे ऐसे ऑर्गन है जो जी से रेलिवेंट हैं ये तीनों एंड वाले दिस अलाव पेसेज अक्रॉस दॉल्स ऑफ लार्जर मोलिक्यूल ठीक है कंटिन्यूस कैपलरीज स्मॉल मोिक्यूल्स के लिए और फेनिस्ट्रेटेड लार्ज मोलिक्यूल्स के लिए अब सैनोसॉइड्स क्या होते हैं सैनोसॉइड रिप्लेस कैपलरीज इन सर्टन ऑर्गन ये ऑर्गन आपको याद होनी चाहिए लिवर स्प्लीन बोन मैरो मेरोपरा रीनल गैस एंड पैराथायर ग्लैंड कैरोटिड बॉडी ठीक है साइनोसाइड हमारे पास बड़े बड़े स्पेसिस होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे पास आ सकते हैं अब करैक्टरिस्टिक क्या है ल्यूमन इसका वाइडर है इरेगुलर है ठीक है वॉल्स इसके थिनर है थिनर है तो इसका मतलब है जो एक्सचेंज है वो ईजली हो सकती है अच्छा इसके अराउंड जो क्योंकि कैपलाइज़ के अराउंड हमारे पास एंडोथीलीम की एक लेयर होती है तो इसी तरह सैनोसाइज के अराउंड भी एंडोथीलीम की लेयर होगी लेकिन यहाँ पे एंडोथीलीम के अराउंड हमारे पास मैक्रोफेजस भी मौजूद होंगे अब मैक्रोफेजिस का क्या काम होता है दे आर फेगोसिटिक्स सेल्स फेगोसाइटोसिस करेंगे फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो फ़ोरन एजेंट्स होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको उनका किलिंग प्रोसेस है या ईटिंग प्रोसेस है ठीक है तो इस तरह हमारे पास जो जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह है उनकी किलिंग हो सकती है इजिली uh, मतलब यहाँ पे होती है ठीक है दे में कनेक्ट आर टी विद्यूल जिसका हमारे पास लिवर बोन मैरो ठीक है जिस स्न बॉन मेरोक्ट करते हैं सानोसार भी कर सकते हैं अब एनेस्टोमोसिस है ठीक है uh, एनेस्टोमोसिस इंपॉर्टेंट है एनेस्टोमोसिस क्या है कि कम्युनिकेशन बिटवीन नेबरिंग वेजस इसको हम एनेस्टोमोसिस बोलते हैं अब आरटीय भी हो सकती है और वीनस भी हो सकती है ठीक है अब ये जो है ना एक्चुअल और पोटेंशियल ये आपको याद करने की ज़रूरत जरूर, नहीं है ठीक है लेकिन एग्जाम्पल्स आप इसको वैसे एक दफ़ा देख लो कि एनेस्टोमोसिस कहाँ कहाँ मौजूद है ठीक है इसी तरह वीनस एनेस्टोमोसिस है ये कहाँ कहाँ मौजूद है ठीक है उसके बाद एवी वी एनेस्टोमोसिस या शंट है ठीक है शंट की बात हमने पहले कर ली थी अब शर्ट में क्या होता है कि आर्टीज और वेंस इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है ठीक है पीछे अभी हमने डायग्राम में देखा कि आर्टीज और वेंस के दरमियान कैपेस थी वो कैपरी में से कैसे शर्ट हो के वो ब्लड जा रहा था ठीक है और राइट ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे हमें आ, डीप पार्मर आर्टिस दिखाया जो कि आर्टीय एनेस्टोमोसिस की एग्जाम्पल है अब सिर्फ इतना यहाँ से समझ लें कि कैसे यहाँ पे जो है वो कनेक्शन क्रिएट हुआ हुआ है यू कैन सी एक ये है एक ये है एक ये है और ये है ठीक है तो ये वेजल 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 एंड दिस वेजल इन चारों वेजल्स यहाँ से भी ये भी ठीक है इन सब के दरमियान एक कनेक्शन क्रिएट हुआ हुआ है इसी तरह वी कैन सी हेयर ठीक है यहाँ पे हमारे पास आ, जो क्रिएट हुआ हुआ है ये देखें ठीक है और राइट और ये शर्ट की एग्जांपल दोबारा आ गई इसको भी याद करने की जरूरत नहीं जो नीचे वाला पैराग्राफ है आ, अब एंड आर्टरीज एंड आर्टरीज की एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है एंड आर्टरीज एंड आर्टीज किसे बोलते हैं कि आर्टीज़ विच डू नॉट एनस्टोमैस एनस्टोमोस विद दिन आर टी जो कि ब्लाइंडली हमारे पास एंड कर जाते हैं ठीक है अब ये सेंट्रल आर्टी ऑफ रेटना दरमियान में देखें जो जा रही है ठीक है ये वाली तो ये क्या कर रही है बिल्कुल ब्लाइंडली एंड हो गई ये किसी के साथ एनस्टोमोस नहीं कर रही तो ये एग्जाम्पल आपने याद करनी है सेंट्रल आर्टी ऑफ रेटिना ठीक है लेबारिथीन आर्टी ऑफ इंटरनल एयर ठीक है ये एब्सोल्यूट एंड आर्टीज़ हैं फिर जितनी भी ये सारी एग्जाम्पल्स है आपने सारी याद करनी है क्योंकि इसको आप अब समझ नहीं सकते कि कहाँ कहाँ मौजूद है इसलिए आपने इसको रटे करना है इसी तरह आर्टरीज ऑफ स्किन किडनी लंग्स एंड मेटाफिस ऑफ लॉन्ग बॉन्स वो भी हमारे पास एंड आर्टरीज है ओके uh, okay, अब अप्लाइड एनेटमी ऑफ सीवियस दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट यू कैन स्केप इट लेकिन फिर भी आपको थ्रोम्बोसिस एम्बोज एम्बोलिज्म और हेमरेज वगैरह का पता होगा एफ से लेकिन ये एग्जाम क्या कहते हैं पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ब्लड प्रेशर इज़ आल्सो नॉट इम्पॉटेंट या आप सी के मॉड्यूल में ब्लड प्रेशर का पूरा चैप्टर है वो तब आप पढ़ लोगे वहाँ जाके इम्पॉटेंट है यहाँ पे ब्लॉके के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट ये सारी uh, 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 नहीं इम्पॉर्टेंट लेकिन आपको एक चीज़ फ्लिबाइटिस uh, का पता होना चाहिए फ्लिबाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ वैन ठीक है क्योंकि थोड़ा सा टर्म डिफरेंस है और राइट एन्योरिज्म वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एन्यूरिज्म जो है आप लोग सी वी एस के मॉड्यूल में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ लोगे ठीक है बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ब्लड वेजल की डायलेशन या स्वेलिंग जब हो जाती है उसको एन्यूरिज्म बोलते हैं बस आप इतना याद कर लो ठीक है नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं इंपॉर्टेंट ये सारा नहीं क्लिनिकल एनाटॉमी मैंने पहले कहा था ये एग्जाम में नहीं आती ओके okay, अब लिम्फ़ेटिक सिस्टम को देख लेते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये डायग्राम आ, आ सकती है ठीक है इसमें लिम्फ फेजल का पूछा जा सकता है ठीक है लिम्फ कैपलरीज और लिम्फेटिक डक इन दोनों को आइडेंटिफाई करने को आ सकता है ठीक है और राइट right. अब कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है uh, इन, इन सब की थोड़ी थोड़ी डिटेल गिवन है तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना है लिम्फ वेजल्स क्या होते हैं लिम्फ कैपलरीज और ब्लड कैपलरीज में डिफरेंस क्या है और मेजर डिफरेंसेस क्या है ठीक है अब जिसमें लिम्फ कलरलेस होता है ब्लाइंडली एंड होता है ठीक है लेकिन ब्लड जो है कैपलरी वो ज़्यादातर रेड कलर में होते हैं और दूसरा कि ब्लड कैपलरीज आर और वेंस के साथ जो है वो कनेक्टेड होती हैं ठीक है थीके? लिफ फैपलरीज uh, का जो तो ल्यूमन है वो वाइडर होता है एंडोथीलीम थिन होता है बेसमेंट हेम्ब्रेन भी पोअरली डेवलप होती है लिम्फ कलरलेस होता है लो प्रेशर होता है इसमें ठीक है और ये टिश्यू फ्लूड को अब्जॉर्ब करते हैं जिस डायग्राम इज़ आयोटा है ये हमारे पास लीवर के सेल्स आ गए ये इन्फिया वेना कह हुआ ये जा रहा है हार्ट में ठीक है अब ये लिवर से देखिए लिवर से हमारे पास अब लिफ फैजल निकल रही है ठीक है लिम्फेज़ल थोड़े से डक में जा रही हो थोड़े से डक हमारे पास जो है सुपीरियर वीना कहवा या इन्फीरियर वैना केवा में ड्रेन हो जाता है ठीक है अब हमारे पास जो डक्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं एक थोरेसिक डक होता है और एक राइट सप्लेवियन डक होता है ठीक है ये दो मेजर डक्ट्स है तो जहाँ से भी लिम्फ आ रहे तो इन दो में से किसी एक में जाके ड्रेन होगा अच्छा ये जितना ये वाला जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट है जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ द फिल्टर लिम्फ यहाँ से ठीक है द फिल्टर लिम्फ वार्सिस यू लार्जर लिम्फेटिक एंड इवन जी कलेक्टेड इन टू टू लार्ज ट्रंक्स या तो थो थोरेसिक डक होगा या राइट लिम्फेटिक डक्ट होगा ठीक है और फिर ये हमारे पास वेंस में जाके ड्रेन हो जाती हैं बाकी नीचे वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको पता होना चाहिए कि थोरेसिक ड्रग किन एरियाज को ड्रेन करता है और राइट लिम्फेटिक ड्रग जो है वो किन को ड्रेन करता है ठीक है तो थोरेसिक ड्रग जो है वो नीचे के दोनों लोअर लिम्स ठीक है लोअर लिम्स दोनों को थोरेसिक ड्रग करता है और हमारे पास लेफ्ट साइड जो तो अपर रीजन है ठीक है जिसमें थोरिक्स एबडमन अपर लिम हेड नेक लेफ्ट साइड सारा का सारा आ जाता है ठीक है जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो हमारे पास राइट हेड राइट नेक राइट अपर लिम राइट एबडोमन राइट थोरिक्स इसको ड्रेन करता है लेकिन जो राइट लोअर लिम्ब है इट इज़ ड्रैंड बाय थोरेसिक तो थोरेसिक हमारे पास दोनों लिम्ब को ड्रेन करता है ठीक है इसको थोड़ा सा इसको ऐसे विजुअली अगर आप लोग याद हैं ये चीज़ें जो है ना भूल जाती हैं है तो आसान लेकिन इसको ऐसे कर लेते हैं ठीक है वहां से नहीं बन रहा ये हमारे पास राइट साइड हो गई और दूसरी साइड हमारे पास लेफ्ट साइड है ठीक है अब राइट साइड का जो ये वाला रीजन है यहां तक का रीजन ये जो मैं कलर कर रही हूं ये सारा का सारा ड्रेन करता है राइट थोरेसिक डक ठीक है और ये जितना मैं येलो से कलर कर रही हूँ ये सारा का सारा कौन ड्रेन करता है थोरेसिक ठीक है और वहाँ से जो लिप भी निकल रहा है ठीक है तो इस तरह आप लोग इसको देख लें सेंट्रल लिम्फॉइड इश्यूज़ आर नॉट डेट मच इम्पोर्टेंट बट बी और टी लिफोसाइट का ओके दिस इज डायग्राम जो मैं बताने की कोशिश कर रही थी सही है तो देखिए जो ग्रीन कलर का एरिया राइट लिम्फेटिक डक है और जो पिंक एरिया है वो सारा का सारा थोड़ा सा डक जो है वो ड्राइन कर रहा है ठीक है तो थोड़ा सा डक इज ड्रेनिंग द लार्ज एरियाज अच्छा ये वाली चीज़ें भी इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है ये जो थाइमस वाली चीज़ें हैं ठीक है ये आप लोग लो लो हिस्टोलॉजी में भी पढ़ लोगे वैसे नॉट इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट नोड्यूल्स भी नहीं इम्पोर्टेंट लिम्फ नोड्स इं� आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेना ठीक है ओके okay, अब ये वाली डायग्राम भी नहीं इम्पोर्टेंट ठीक है इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है आ, अच्छा वाटर शेड और ये चीज़ें पता नहीं चाहिए इंग्वाइनल लिफ नोट्स कहाँ मौजूद है और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ठीक है अच्छा ये वाली जो तो डायग्राम है लिम्फ नोड की ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हिस्टोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है तो हिस्टोलॉजी में अगर आप लोगों ने लिफेटिक्स पढ़ लिया तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि जर्मिनल लेयर क्या होता है मेड्यूला क्या होता है ठीक है पैरा कॉर्टिकल एरिया वगैरह क्या होते हैं ठीक है ये हिस्टोलॉजिकल व्यू से इंपॉर्टेंट है लेकिन बी डी में से इसमें से शायद ही आए तो मतलब अल्टीमेटली ये डायग्राम आपने करनी है अच्छा कॉटिक्स है कॉर्टिक्स के जोन्स मौजूद हैं ये भी हिस्टोलॉजी में मौजूद है अब अगर आपने हिस्टोलॉजी में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे ये समरी है ठीक है तो ये वाला चीज़ जो है ना आपको पढ़ने में आसानी होगी ठीक है तो कोर्टिक्स क्या है लिफ नोड का आउटर रीजन है ठीक है अब सब सब्सकेपुलरल साइनस क्या होता है ये भी आपको हिस्टोलॉजी से पता चल जाना चाहिए ठीक है बींग एबसेंट एट द हाइलम हाइलम क्या होता है जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है ठीक है इट्स कॉल्ड हायलम वहाँ पर सब्स्कैपुलरल साइनस मौजूद नहीं है बाकी सारी जगह मौजूद है और उसके नीचे हमारे पास कॉर्टिक्स है ठीक है अब कॉर्टिक्स जो है हमारे पास डेंसली uh, सेलुलर है दरमियान का रिजन मेडुला होता है आउटर इस डेंसली सेलुलर और ये तीन जोन में डिवाइडेड है ठीक है अब किस जोन में कौन सा सेल कितना डेंस और कितना ज़्यादा कितना कम है यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद मेडुला ब्लड चैनल्स हो गए ठीक है ये वाली डायग्राम भी हिस्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर आपने वहाँ पे पढ़ी है तो ये भी आपको ईजली समझ आ जाएगी हीमल नोड्स जो है आ, दे इसको वैसे एक दफ़ा पढ़ लें अच्छा अब आ जाता है रेटिकुलर एंडोथीलियर सिस्टम दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट यह भी हिस्टोलॉजी में मौजूद है इसको आपने पढ़ना है अब आपको पता होना चाहिए ये सारी एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है ठीक है फंक्शंस के देख लेने ग्रोथ पैटर्न इज नॉट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फॉइस सिस्टम इसको आपने पढ़ लेना इसके इम्पोर्टेंट जो ऊपर ऊपर के फंक्शन हैं वो पूछे जाते हैं ठीक है थीके? अच्छा अब क्लिनिकल एनेटमी है यहाँ से स्टार्ट हो गई है क्लिनिकल uh, एनेटमी नहीं अम्पोर्टेंट ये सारी की सारी नहीं इम्पोर्टेंट ठीक है अच्छा इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लिम्फेटिक का चैप्टर हिस्टोलॉजी में है वो आपने शुरू में लाइक पूरा पढ़ना है उसको समझना है ठीक है क्योंकि जब तक आप उसको समझोगे नहीं आपको नहीं पता लगेगा क्या इसमें से आपने याद क्या करना है और क्या छोड़ना है उसको दो तीन दफ़ा ख़ुद पढ़ो अच्छे से समझो ठीक है और उसके लिए आ, बुक बुक बुक, आ, बुक रीडिंग जो है इट इज़ मोर देन इनफ उसके बाद जब आपको समझ आ जाए कि अच्छा जब आप इमेजिन करोगे ओके फलाना सेल यहाँ पे मौजूद है या आउटर लेयर है यह इनर लेयर है ऐसा स्ट्रक्चर है वगैरह ठीक है उसके बाद जब आप उसको फोर्थ टाइम जो है आप उसको रीड दे रहे हो उसमें फिर आपने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने याद करनी है क्योंकि जो हिस्टोलॉजी से कोश्चन्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल आते हैं ठीक है लेकिन सुपरफिशियल चीज़ें भी आप तब तक नहीं कर सकोगे जब तक आप पूरा चैप्टर पहले शुरू में पढ़ो पढ़ पढ़ ना पाओ ठीक है फिर एग्जाम में ऐसा होता है कि पूरा चैप्टर पढ़ने का आपके पास टाइम डेफिनेटली नहीं होता देन यू फोकस ऑन द थिंग्स जो कि एग्जाम में आने हैं ठीक है अब जिस तरह प्रोफ में हमारे काफ़ी आसान एम सी क्यूज़ आते हैं हिस्टोलॉजी में ठीक है लेकिन वो चीज़ें हमें तब तक ना आती अगर हमने स्टार्टिंग में वो चैप्टर्स जो है ना पूरे पूरे ना पढ़े होते ठीक है तो अभी से जो है ना वो शॉर्टकट्स आप लोगों ने नहीं अपनाने अभी आप लोगों ने सब चीज़ों को समझना है उसके अलावा यह है कि उसके बाद जब आपने चैप्टर पढ़ लिया फॉर एग्जांपल निफेटिक सिस्टम की मैं बात करूँ चैप्टर पढ़ लिया उसमें फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या सुपरफिशियल चीज़ें उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है या अपने साथ पास जो है ना उसी पेज के एंड पे वो चीज़ें आप लिख लें या एक पेज पे लिख के उसको उसी चैप्टर के साथ अटैच कर लें ठीक है यू बेटर नो कि आपको उन चीज़ों को कैसे फिर करना है अब ये जो बी में ये चैप्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ें भी आपको तब तक आ, आ, समझ नहीं आएँगी जब तक आप हिस्ट्रोलॉजी का वो चैप्टर अच्छे से ना कर लो अच्छा अब मैं एग्ज़ाम के हवाले से बता रही हूँ कि एग्ज़ाम में फिर आपने इसको कैसे करना है एग्ज़ाम में फिर जो आ, लिम्फेटिक सिस्टम जो आपने हिस्ट्रो में पढ़ा है ठीक है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने अपने पास लिखे हुए हैं बुक्स से जो सुपरफिशल वाली चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिविजन्स वगैरह और सेल्स वगैरह मतलब जितनी चीज़ें आपने उसमें लिखी हुई हैं ठीक है वो वाले पॉइंट्स आप लोग कर लें और बी का ये चैप्टर कर लें ठीक है तो इससे आपका जो है ये चैप्टर ब्लॉक ए के लिए कवर हो जाएगा जब आप टेन डॉक्टर्स जो एम सी क्यूज़ की बुक है जब आप वहाँ से आप हिस्ट्रो केम सी क्यूज देखोगे या बी डी कैम सी क्यूज़ देखोगे यू विल रियलाइज़ के एम सी क्यूज़ बहुत ज़्यादा ईजी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा ईजी आ रहे हैं लेकिन उस वक्त जो है ना आपको शायद आंसर ना आए जब आप टेन डॉक्टर्स से कर रहे हो क्योंकि आपने वो चीज़ या तो स्किप कर दी है या आपने चैप्टर्स को अच्छी तरह पढ़ा नहीं है जब आप एम सी क्यूज़ चैप्टर पढ़ने के बाद देखोगे फिर आपको पता चल जाएगा ठीक है मुझे एम uh, सी के हवाले से फिर इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है अब प्रोफ की मैं बात करूँ हमारे प्रोफ़ में ब्लॉक एम ए आई गेस हिस्ट्रो के आठ एम सी हैं बी के तो ऑब्वियसली ज़्यादा हैं आठ uh, सोलह आई uh, डोंट नो हिस्ट्रो के सोलह एम सी क्यूज थे के कितने थे लेकिन दे वर रियली इजी बहुत आसान थे ठीक है और बी में से भी जो लिम्फेटिक सिस्टम के एम थे बहुत ईजी थे लेकिन वो ईजी क्यों थे क्योंकि uh, Uh, क्योंकि वो चैप्टर शुरू हमें हमने पढ़े हुए थे और एग्जाम में हमें पता था कि हमने स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है और हमने uh, किन टॉपिक्स को एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ठीक है तो ये वाली चीज़ हो गया आई विल ट्राई कि मैं हिस्ट्रॉलोजी पे भी वीडियोस बनाऊँ या मैं चैप्टर वाइज बताऊँ कि इसको कैसे कैसे पढ़ना है अगर टाइम इंशाल्लाह मिला आप लोगों के ब्लॉग से पहले पहले और ये है कि फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है अब ये डायग्राम भी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप इसको जो इसका पूरा टॉपिक है इस्टों तो में उसको आप समझो नहीं लिफ्ट नोट को ठीक है लेकिन जब आपको लिफ्ट नोट का पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा ठीक है और फिर जब एग्जाम के लिए आप खाली ये डायग्राम देखोगे तो आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकोगे और ये भी बता सकोगे कि किस जोन में क्या क्या सेल है ठीक है फिर आपको लिफ्ट नोट की इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा डेप्थ में या डिटेल में जाने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के दौरान ठीक है सो डेट सॉल्व फॉर टुडे और फिर ये जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम नर्वस सिस्टम इसको uh, जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी एंड डेट सॉल्व फ़ॉर टुडे अल्लाह हाफिज़